हाय फ्रेंड्स, आज मैंने बनाया है ये वाली पनीर की सब्ज़ी जो बहुत ही अच्छा लगता है। सबके घरों का अलग अलग अपना तरीका होता है। आज मैंने अपने तरीके से बनाई है ये वाली सब्ज़ी, तो चलो देख लेते हैं फटाफट हमने कैसे बनाया है। तो हाँ मैंने यहाँ पर ले लिया है 300 ग्राम पनीर, अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो प्योरी, इसको मैंने दो टमाटर लेके मिक्सी जार में इसका पेस्ट बना लिया है। ये काजू बादाम का पेस्ट है, इसको भी मैंने मिक्सी जार में पेस्ट बना लिया है। और ये दही है, एक चम्मच कसूरी मेथी, बघारने के लिए एक चम्मच जीरा, एक पिंच हींग। अब हमें इस पनीर में एक चम्मच दही मिलाना है। और एक चम्मच बेसन, आधे चम्मच से थोड़े से कम लाल मिर्ची पाउडर, थोड़े से हल्दी, बस थोड़े से नमक भी मिलाना है इसमें। इन सबको हमें मिक्स करना है। तो मैंने सबको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो हमारा पनीर रेस्ट करते हुए 10 मिनट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो हमारा फ्राई पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, 3 से 4 चम्मच ऑयल डाल दिया है हमने। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम अपनी गैस के फ्लेम को स्लो कर लेते हैं। अब हम ये पनीर इसमें डालकर फ्राई कर लेंगे। तो सारे पनीर को हमें इसे उलट पलट कर फ्राई कर लेना है। अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसको। तो मैंने सारे पनीर को फ्राई कर लिया है। अब मैंने गैस पर दूसरी कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरे और हींग का बघार लगा देते हैं। तेल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा। हमारा जीरा चटक चुका है। अब हम इसमें डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने एक एक चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं ये टोमेटो प्यूरी। इसको भी चला लेंगे। 2 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच मिर्ची पाउडर, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच नमक। इन सबको हमें मिला लेना है। अब मसाला तब तक भुनेंगे जब तक तेल ना छोड़ दे। हमारा मसाला ऑयल छोड़ चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे दही। आधा कप के लगभग हम दही मिला देंगे इसमें। इसको भी चला लेंगे। अब हमें दही का पानी भी सुखा लेना है। हमारा मसाला भी भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे काजू बादाम का पेस्ट। इसको मिला लेंगे सब। हम ग्रेवी के लिए 1 गिलास पानी मिला देते हैं।
हम इसमें थोड़ा सा और नमक मिलाते हैं, हमारा नमक कम था। अब इसको चला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये पनीर। तो मैंने पनीर को डाल दिया है। अब ऊपर से डालेंगे इसमें कसूरी मेथी। इसको भी चला देंगे। अब इसको हम 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे। तो फाइनली हमारा 5 मिनट हो चुका है। अब ये हमारा पनीर की सब्ज़ी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो मैंने पनीर की सब्ज़ी को डिश आउट कर लिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी बना है ये और बहुत आसानी से बन गया है। तो प्लीज़ हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।